Ya nos encontramos en el camino de derecha. Gracias. Por la palabra de Dios, cada parte. Thank you.
जुलाई। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेकंड कमांड कर्नल रेजिमेंट जैकरिफ वोटर जागस्ताव, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील गुप्ता, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल रिटायर्ड, और यहाँ पर उपस्थित तमाम अधिकारीगण, सरदार साहिबान और हमारे बहादुर नोनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौरवशाली है, क्योंकि आज हम सब लद्दाख स्काउट की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे बीच इस खास मौके पर कर्नल रजवंत साहब और जनरल सुशील गुप्ता साहब और काफी सारे भूतपूर्व सैनिक और अफसर हमारे पास मौजूद हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और लद्दाख स्काउट के तमाम रैंक्स की ओर से अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच शामिल होने आए हैं। लद्दाख इसी क्षेत्र में हमारे नजदीक नदन कमान के आर्मी कमांडर के पद पर कार्यरत हैं। कर्नल साहब ने हमारा हर समय मार्गदर्शन किया है और समर्थन किया है और हमें काम करने की नई तरक्की नई प्रेरणा दी है। मैं अपने कर्नल साहब और रेजिमेंट के सभी सीनियर अधिकारियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब उनके दिए हुए मार्गदर्शन को हमेशा पालन करेंगे और लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के नाम को और ज्यादा ऊंचा करेंगे। हमारे पूर्वजों की रखी मजबूत और बुलंद नींव और उनके निष्ठा तथा बलिदान से आज हम इस गौरवशाली मौके पर पहुंच पाए हैं। आज हम सब हमारे शहीद वीरों को याद करते हैं और लद्दाख स्काउट्स के सीनियर सर्विंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, सुबेदार मेजर साहिबान, जेसीओज, एनसीओज, बहादुर नूनू रिक्रूट्स और मेरे वेटरन साथियों, आज लद्दाख स्काउट्स की डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है कि लद्दाख स्काउट्स का इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है। 1947-48 से लेकर अब तक हर युद्ध में हमने हिस्सा लिया है और बहुत ही पराक्रम और शौहर दिखाते हुए हमेशा अव्वल दर्जे पर रहे हैं और बहुत ही बहादुरी के तगमे पाए हैं, चाहे वो 7/14 जेविन के मलेशिया के रूप में हो या पुनर्गठन के बाद लद्दाख स्काउट्स के रूप में हो। यही नहीं, हम लोगों ने खेलकूद के मैदान में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वो आइस हॉकी हो, पोलो हो, मैराथन हो या और जो भी टास्क लद्दाख स्काउट्स को मिला है, अभी तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए इसे पूरा किया है। आप लोगों ने विरासत में बहुत कुछ हासिल किया है। आपके पूर्वजों ने अपने खून पसीने से इस रेजिमेंट को सींचा है और आज इस ऊंचे मुकाम तक लाए हैं, जिससे हम सब गर्व से अपना सीना उठाकर चल सकते हैं और कह सकते हैं कि बहादुरी के मामले में हमारी रेजिमेंट से बढ़कर इस इंडियन आर्मी में कोई नहीं है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जूले एक्स कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हमारे जनरल सुशील गुप्ता साहब, हमारे कमांडेंट साहब परिहार साहब, हमारे वेटरन्स जो हमारे बीच मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर साहबान, सरदार साहबान, नूनूस जिसमें शामिल हमारे अग्निवीर हैं और मीडिया के प्रतिनिधि जो यहां पर आए हुए हैं भारी संख्या में, आप सबको डायमंड जुबली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं पिछले साल यहां पर आया था और मैंने देखा है कि पिछले एक साल में आप लोगों ने कितनी तैयारियां कई हैं, कितनी दूरियां आपने तय की हैं और कितनी मेहनत आप लोगों ने की है, और वही मेहनत आज रंग लाई है कि लद्दाख के जो यहां के निवासी हैं और आप लोग हैं, इसमें ऐसा भरपूर एक मेल मिलाप हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि दोनों में किसी प्रकार की दूरी है। दूरी सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक आपकी यूनिफॉर्म की है। सबसे पहले रेजिमेंट के डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर आप सभी को और आपके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर
मैं कर्नल शिवांग रिंशन, महावीर चक्रबार, सेना मेडल, नायब सूबेदार शेरिंग मुत्तो अशोक चक्र और कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र जो हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, जैसे वीर योद्धाओं की कर्म भूमि पर आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसके पहले मैं आगे कुछ बात कहूं, मैं हमारे दोनों कर्नल ऑफ द रेजिमेंट साहब जन सुशील गुप्ता साहब ने आपको अभी बातचीत की, आपसे मुखर हुए, हमारे जन ग्रीवाल साहब भी आए हुए हैं, किसी कारणों से वो अभी यहां पर नहीं आ सके हैं, और तमाम वेटरन्स शामिल कमांडेंट्स, आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी तादाद में लद्दाख स्काउट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शरीक हुए, शामिल हुए। लद्दाख स्काउट स्वतंत्रता के बाद से लद्दाख का अभिन्न हिस्सा रहा है। 1948 में जब पाकिस्तान ने गिलगित को अपने अधीन किया और लद्दाख को खतरे में डाला गया, तब नूबरा, इंडस, श्योक घाटी के स्वयंसेवकों ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आगे आकर नूबरा गार्ड्स का गठन किया। 1952 में नूबरा गार्ड्स की 7वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया में बदला गया और उसके बाद 2 मई 1959 में श्रीनगर में 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया का भी गठन हुआ। 1962 के युद्ध के दौरान दोनों मिलिशिया बटालियनों ने चीन सेनाओं के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद 7वीं और 14वीं जम्मू कश्मीर मिलिशिया बटालियनों को एक ही इकाई में विलय कर दिया गया और 1 जून 1963 में लद्दाख स्काउट की स्थापना की गई। लद्दाख स्काउट ने अपने गठन के पश्चात बार बार अपनी वीरता का मिसाल पेश करके अपनी गौरवशाली पहचान बनाई है और कारगिल युद्ध के पश्चात भारतीय सेना की सबसे नई और अलंकृत इन्फेंट्री रेजिमेंट का दर्जा प्राप्त किया है। देखा जाए तो आज हम एक विशेष मुकाम पर पहुंचे हैं जो कि सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम रखती है। हिमालय श्रृंखला के सुंदर और कठिन भूभाग में लद्दाख स्काउट्स के एक अद्वितीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लद्दाख स्काउट लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षा, कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये श्रद्धांजलि पार्क है और यहाँ पे जो जितने भी हैं जंग में शहीद हुए हैं, आज उन्हीं के ही परिवार से यहाँ पे लोग आए हैं और उनके नाम पे जो है आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये श्रद्धांजलि पार्क यानी अच्छस स्पाउट्स हस के नाम से जाना जाता है, वो कुछ सालों में जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरी हरियाली हो।
तो हम यहाँ पे जिस तरह से मैंने पहले बताया है, यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं इनके फैमिली मेंबर्स, तो इनसे बात करते हैं। ये मार्टर उनके बीवी यहाँ पे जो है आज उनके नाम पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो इनसे ही जानेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब उनके नाम पे कुछ आप कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हो। तेने जुले अबिले तेने आंगाता जांगना टोंग्स तेनो जी, तो ये थोड़े बुजुर्ग हैं तो बहुत आगे इनका लगा था, तो इनको कहा कि थोड़ा नज़दीक में आप प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं फुनचोक नूरबू जी के, लेट फुनचोक सिरिंग, लेट फुनचोक सिरिंग उनके जो है ये वाइफ हैं। रिगजिन नूरबू जी के मदर हैं, अभी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं इनका इमोशंस इस टाइम जो है कितना इमोशनल एक इंसान होता है जब आपके कोई करीबी जब गुजर जाते हैं, पर जो गुजरे हैं वो देश का नाम रोशन करके गए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। जुले अनिले तेने हलले दसा रिगजिन नूरबू ina putsa juxten lo tedi tsoks ata changma tsukche se skap tsoks khone mi ga tene ko ko thatpo nangamo shke ra le kasa no ko thatpo sang mi lang ju काफ़ी खुश हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। और इनको अभी कुछ देर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके यादों को वो ताज़ा कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन जो देश की तरफ था उनको याद करके जो है आज उनके आंसू थम नहीं रहे हैं।